30 लाख करोड़ कितना पैसा है? उस 30 लाख करोड़ को खर्चा तो कर लिया, किया गया? 30 लाख करोड़ आनंद जी, हमारा 2021-22 जो फाइनेंशियल ईयर था, वहां पर रेवेन्यू कलेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 27 लाख करोड़ से, तो एक साल के रेवेन्यू कलेक्शन से ज्यादा हम खर्च कर चुके हैं इस अवेयरनेस प्रोग्राम्स पे, और फिर भी हम दुनिया के सबसे पॉपुलस कंट्री। तो आपको क्यों लगता है कि लॉ होना चाहिए? बिकॉज लोग कह रहे हैं, देखिए इफ यू आर्ग्यूमेंट मैं बता रहा हूं, आर्ग्यूमेंट इज स्टेट्स इन द साउथ, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका ऑल्सो, एंड स्टेट्स, सम ऑफ द स्टेट्स इन द ईस्ट, दे हैव ऑल अचीव्ड अ सर्टन कंट्रोल ऑन द रेट ऑफ पॉपुलेशन। दे आर सेइंग 5 बिग कंट्रीब्यूटर्स आर इन द हार्ट ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिस इज वॉट दे आर सेइंग कि यहीं पर पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो यहां कंट्रोल करिए, देश में कानून की क्या जरूरत है? बिल्कुल आपने सही कहा, जो लोग ऑलरेडी कंट्रोल्ड हैं, जो ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, अगर उन पे कानून लागू भी होता है तो उन्हें फर्क क्या पड़ता है? करेक्ट। तो कानून के होने से और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा ये एक फेडरल सिस्टम है इंडिया का, तो अगर हमने पूरे नेशन वाइड पॉलिसी नहीं फ्रेम की तो फिर ये होगा कि लोग बाग यूपी से, बिहार से, बंगाल से, अदर स्टेट्स में डेवलप्ड, जहाँ पे लाइफस्टाइल अच्छा है, जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, वहाँ पर माइग्रेट होंगे, और वहाँ हो भी रहे हैं। हाँ। तो वहाँ माइग्रेट होंगे तो वहाँ की सिचुएशन फिर से खराब होगी। तो आपको एक नेशन वाइड कानून बनाने की आवश्यकता है, जैसे मेरे को पैनलिस्ट ने अभी कहा भी पहले कि इंसेंटिव बेस्ड कोरेसिव मेथड, आप देखिए 50% पॉपुलेशन हमारे देश की विमेन, हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन हम उन्हें आज तक मना करने का अधिकार नहीं दे पाए कि वो अपनी सास से, अपने पति से, अपनी ननद से ये बोल सकें कि मैं तीसरे बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। तो वास्तव में क्या विमेन एम्पावरमेंट हो रहा है? यहाँ पर जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, उन्होंने 12 लोगों ने हाथ उठाया कि उनके 2 से ज्यादा सिबलिंग्स हैं। इन्हीं लोगों से पूछिए कि ये अपनी मैरिड लाइफ में कितने बच्चे अपने हों, ये चाहते हैं, क्योंकि ये फेस कर रहे हैं। एनीबॉडी हु वांट्स टू आंसर, हैव यू इवन थॉट, हैव यू थॉट अबाउट इट, हाउ मेनी किड्स वुड यू वांट टू हैव? वन, यू वुड लाइक वन, ओके, ही इज सेइंग वन। एनीबॉडी एल्स? वन और टू, ही सेज वन और टू। वन गर्ल एंड वन बॉय, बट दोनों लड़का हुए तो फिर थर्ड लड़की ट्राई करोगे? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि चाहते वन बॉय वन गर्ल है, पर दो ही चाहते हैं, ऐसा है? दो लड़के हो गए चलेगा, दो लड़कियां हो गई चलेगा? मैं ये कह रहा हूँ कि दो लड़के हो गए तो लड़की के लिए तीसरा, चलो ट्राई मारते हैं, देखते हैं क्या होगा, या दो लड़कियां हो गई तो तीसरा लड़का हो गया, देखे अडॉप्ट कर लेंगे। अच्छा, गुड आंसर। अच्छा, अडॉप्ट कर लेंगे कहा है, वेरी गुड थॉट भाई, रियली लाइक दैट। एनीबॉडी एल्स? कि अभी तक तो अंदर से पीसीआर से पूछ रहे, दूसरे में ट्विंस हो गए तो क्या करोगे? टू टू, सब दो पे ही रुके हैं, एक या दो, ऐसा क्यों है? हाँ, ऐसा क्यों है? क्यों है? हाँ जी बोलिए। एक किड रहता है तो उसे सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड होंगे, अगर हमारे पास मतलब इंसान दो या तीन करता है तो उसे उतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर पाएगा वो, जितना वो एक को कर सकता है। उसको सारे सुख सुविधाएं मिलेंगी, और मे भी कहीं ना कहीं तीन लोग होते हैं उनमें रह जाती है वो चीजें, तीन में रह जाती है। हाँ। तीन में रह जाती है। तो सर उन्होंने वन क्यों बोला या टू तक क्यों सीमित रहे? कि रिसोर्सेस, अच्छी परवरिश, अच्छी परवरिश, फैमिली के रिसोर्सेस कितने हैं जो वो बच्चों की अच्छी परवरिश कर पाए। इसी तरह से हमारा देश भी हमारी एक फैमिली है, और इसके लिए रिसोर्सेस जनरेट करता है कौन? इस देश का टैक्स पेयर। करेक्ट। 2014 में इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस, दो तरह से हम लोग टैक्स कलेक्शन करते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस टोटल रेवेन्यू जनरेशन का 2/3 होता था और 1/3 डायरेक्ट टैक्सेस से होता था। आज अभी जो लेटेस्ट आया है वो आया है कि 27 लाख करोड़ में से 14 लाख करोड़ डायरेक्ट टैक्सेस से हैं और 13 लाख करोड़ इनडायरेक्ट टैक्सेस से, मतलब मोर देन 50% डायरेक्ट टैक्सेस से आ।
हमारे देश की नियर अबाउट 75% पॉपुलेशन जो है वो रूरल इंडिया में रहती है. हमारे देश में लगभग 15 करोड़ मनरेगा कार्ड होल्डर्स हैं, ठीक है, जो टैक्स लिमिट से बाहर है. बाहर है जो 75% पॉपुलेशन है हमारे देश की, वो लगभग वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी में है, तो वो टैक्स नहीं भरते, वो टैक्स एग्जेम्प्ट हैं. तो अगर आप टोटल देखेंगे तो जितने लोग आज की डेट में डायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं या रिटर्न्स फाइल करते हैं, उससे ज्यादा बेस बढ़ाने का मतलब है कि आप एग्रीकल्चर इनकम वालों को टैक्सेशन लिमिट में लेकर आए या और ज्यादा. अब इससे क्या है, सरकार को भी मजबूरी है, उन्हें फ्री में वैक्सीनेशन करनी है, उन्हें फ्री में सब कुछ देना है, उन्हें फ्री में घर देना है, फ्री में एजुकेशन देनी है, फ्री में हेल्थ, उसके लिए पैसा चाहिए. सोशल वेलफेयर कहां से आएगा? हाँ. तो बर्डन किस पे पड़ेगा? बर्डन फ्यूचर में आप लोगों पे पड़ने वाला है, क्योंकि आप लोग आगे चल के अर्निंग मेंबर होंगे इस देश के. तो इसलिए अपनी हमारा फॉर आपने बताया कि 4% हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं वर्ल्ड के, हमारे देश में, और पॉपुलेशन कितनी है? 20%. सीधी सी कैलकुलेशन है. आपने कहा हम फूड सरप्लस कंट्री हैं, लेकिन हम साथ में कैंसर सरप्लस कंट्री भी हैं. काजमी साहब, व्हाई डू यू स्टैंड? बिकॉज देर आर ग्रुप्स, द मोमेंट द पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ की बात आती है, व्हाई इज इट दैट वी हैव मुस्लिम ग्रुप्स कमिंग आउट एंड सेइंग ये हम पर मत थोपिए? नो, इज दैट फेयर? इज इट, शुड वी लुक एट इट फ्रॉम अ रिलीजियस प्रिज्म और डज दिस अप्लाई टू एवरीबॉडी? दिस इज द ग्रोइंग पॉपुलेशन, वेरी फ्रेंकली I would say here, this is a big problem for the nation. And without looking for any religion, without seeking the religious opinion from religion, because we may have a couple, we have a countless of opinion regarding this. Don't go for any opinion and bring a strong law against growing population the way we did in demonetization, the way we did in abrogation of 370, the way we did in snapping the triple talaq. So this is the way for us, for the government. But government disappointed me. Why? Last April, the government in parliament said that it doesn't intend to bring population control law. Why? Yesterday, I was seeing in Times of India, a news was getting circulated. We will be most populated country in the world, more early and again, very rapidly and quickly we can get permanent seat in UN Security Council. A newspaper was circulating yesterday, this news. Contradictions are there. And I, with all responsibility, Islam permits for birth control, even in the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. During his lifetime, I can narrate the real original hadith. Kunna nazilu ala ahdi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Fabalagha zalika Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Falam yunhina. We used to do azl. Azl is a method of birth control. We used to do azl during the lifetime of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And it was conveyed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He didn't say anything. It means he approved it. So population control kisi bhi tarah se will not come in the way of Islam. Many Muslim countries in the world have approved it. So my appeal for the government is that we should go ahead regarding bringing a strong law against growing population in our country.